हेलो एवरीवन, माय नेम इज मैविष्का सू, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फैशन डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कुछ इस तरीके की ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट नो गारमेंट कंस्ट्रक्शन। सो जो स्टूडेंट्स अभी फैशन स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं तो उन्हें तो वहाँ पर सिखाएंगे, लेकिन जो सेल्फ टॉट बन रही है या फिर कोई क्लासेस ले रहा होगा, आई डोंट नो, पर मैं यूट्यूब से सीख रही हूँ। सो सबसे पहला मैं तो पेपर न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ गारमेंट कंस्ट्रक्शन। सो पैटर्न मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सेकेंड इज़ इलास्ट्रेशंस, फैशन इलास्ट्रेशंस, जो पता है मुझे भी नहीं आते थे। जब मैंने सबसे पहला मैंने जो पैटर्न सीखा था, जो ड्रॉ करना, वो था एक फ्रॉक का, करीबन जब मैं 9 ईयर्स की थी। सो ये मेरे कुछ स्कूल्स के हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं स्कूल टाइम में, इलास्ट्रेशंस कुछ इस तरीके से विदाउट मॉडल, एक्चुअली मॉडल थे। सो कुछ इस टाइप के मेरे इलास्ट्रेशंस थे। फिर मैंने आफ्टर स्कूल मैंने अपनी जो एक रफ बुक थी इसको मैंने खुद से बनाया कार्ड। देन अगेन आई विल शो यू। ये मेरे कुछ 2020 के इलास्ट्रेशंस हैं। ये मैंने यूट्यूब से सीखा था एक्चुअली, बट बाउंसर। सो दिस अगेन ये मेरे मेजरमेंट्स बनाए हुए हैं। ये फैशन एलिमेंट्स है एक्चुअली, लाइंस, फैशन एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, टॉपिक है एक्चुअली फैशन एलिमेंट्स। या जो लाइन यूज़ करके टेक्सचर वगैरह उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। सो मैंने कुछ वो लाइंस अलग अलग शेप्स यूज़ करके ये कुछ बनाया है। Without model, you can also paint like this. और ये रिसेंटली बनाए हुए हैं अभी के। सो ये है मेरी फैशन इलास्ट्रेशन की जर्नी, कैसे मैंने इम्प्रूव किया और करना है। और ये कुछ इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्केच बुक, इट्स ओके, मैं कुछ फुल स्केच पे भी बनाती हूँ इलास्ट्रेट करती हूँ। Face, I want to improve. So ये थे फैशन इलास्ट्रेशंस में डिफरेंट टाइप के मॉडल्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट बॉडी शेप्स, इसके बारे में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ऑर्नामेंटेशन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ होता है, बट मेरे हिसाब से अभी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सो मशीन्स अवेलेबल है, कुछ प्रेफर नहीं कर सकते तो आप हैंडमेड भी बहुत अच्छा होता है। मैं सीख रही हूँ हैंडमेड, बट मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ उस पर क्योंकि मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इलास्ट्रेशंस एंड पैटर्न मेकिंग। सो मैं वो है ज़रूरी। नेक्स्ट इज़ फैशन मैनेजमेंट एंड मर्चेंटाइजिंग। मर्चेंटाइजिंग इज़ बेसिकली आप अपना आउटफिट कैसे डिस्प्ले करते हैं एक यू नो आपके कस्टमर्स को, और उस वो सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट इज़ CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो बहुत यूज़फुल टॉपिक है, सब्जेक्ट है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैंने अब तक नहीं सीखा है। सो आई विल मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग एंड कल्चर कम्युनिकेशन जो है मेरे हिसाब से आपको एक्सपीरियंस करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपीरियंस इन द सेंस इंटर्नशिप करना या पार्ट टाइम जॉब करना किसी फैशन शॉप में, इन फैक्ट्री में, वो जितना आप जितने भी बुक्स पढ़ोगे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं। सो इट्स बेटर इफ़ यू एक्सपीरियंस इट। नेक्स्ट इज फैशन टेक्नोलॉजी। अगेन अगले 5 सालों में IT सेक्टर में जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने वाले हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। सो आप
बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यू नो अलग अलग टाइप की मशीन से पैटर्न्स कट करने के लिए, जैसे सीएडी है. सो फैशन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फैशन इलस्ट्रेशन जो आपको सीखने चाहिए. बाकी आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीख सकते हो. सो आज के लिए इतना ही. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.